बड़ा अच्छा लगा कि आप सब यहाँ पर आए हमें देखने के लिए, लेकिन ये जो रेलिंग है इस रेलिंग से थोड़ा सा दूर रहिए क्योंकि ये टूट भी सकता है और आप गिर भी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अरबाज आपसे कुछ बोलना चाहेंगे। आप लोग सबको यहाँ देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, इतनी तादाद में आप लोग यहाँ आए हैं हम लोगों के लिए, सलमान भाई के लिए, नवंकू के लिए, थैंक यू वेरी मच। कल हमारी फिल्म रिलीज होने वाली है, हम चाहते हैं कि आप लोग पसंद करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। मुझे बस ये अच्छा लग रहा है कि लोगों को पसंद आ रहा है, दैट इज ऑल आई केयर, वेदर यू लाइक मुन्नी मोर और हेवी कॉल मो या D21 या D22, अगर लोगों को पसंद है देन दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट। Thank you.
we'll expect a lot of CTs, a lot of fun, or the action that we want to see. Like, what I'm really looking forward to see is Arbaaz Bhai's direction. Because Arbaaz Bhai is one guy who's very, very passionate. I've known him as one of the most passionate people, when he loves, when he talks, when he eats. And I know that when he made the part one, जो अरबाज भाई के दिल में मन में जैसा उनका रिएक्शन उनका पैशन जो वो मन की तरफ था आई न्यू दिस विल मी डू समथिंग विच इज वे बिगर सो आई एम जस्ट वेटिंग टू सी दैट दिस इज बेटर देन फर्स्ट पार्ट थैंक यू बहुत बड़ी हिट होगी और ऑफ कोर्स अरबाज की पहली फिल्म है एज ए डायरेक्टर तो सबसे पहले उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड कंग्रेचुलेशन हिम एंड टू द एंटायर फैमिली एंड अब मैं जाऊंगा ऊपर एंड होपफुली आई एम गोना बी एंटरटेन फॉर द नेक्स्ट 2 आवर्स आई थिंक इट्स हिज करिश्मा एंड हिज वेरी वेरी वार्म स्माइल उम्मीदें तो बहुत है लेकिन अल्टीमेटली ये ऑडियंस का वर्डिक्ट होता है अरबाज भाई ने बहुत मेहनत की है एक बैगेज था दबंग वन से लेकिन ये जर्नी सबके लिए बहुत ही बढ़िया हुई है और इंशाल्लाह सलमान भाई ने बहुत सारी अपनी ज़िंदगी में हिट दी है और देखी है मेरी दिल से ये ख्वाहिश है खुशी है क्या अरबाज भाई के लिए ये रिलीज़ बहुत बड़ी और अच्छी रिलीज़ हो मैंने हमेशा कहा है कि सलमान भाई में ये खासियत है क्या आप उनको एक ही फिल्म में आप उनसे इमोशन ड्रामा रोमांस एक्शन आप सब करा सकते हैं तो वो एक ऐसा एक्टर है दैट ही इज़ नॉट स्टक टू वन जॉनर ऑफ एक्टिंग यू कैन एक्चुअली यूटिलाइज हिम फॉर डिफरेंट इमोशंस एंड ही स्कोर्स ऑन देम एंड ऑल मुझे तो बहुत अच्छे लगे इसका एक अपना फ्लेवर है जो डिस्क्राइब करना मुश्किल है लेकिन बहुत ही एंटरटेनिंग फ्लेवर है आई एम वेरी हैप्पी फॉर अरबाज आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ द फैमिली सो ऑल गुड विशेज टू देम बनी चाहिए दबंग 2 के रिएक्शन पर पता चलेगा
तो यही आता है जब म्यूजिक इतना गर्म हो तो फिर फिल्म देखने का भी मजा कुछ और होता है। क्यों पर एक गाना हो जाए तो शायद और क्या कहते हैं कि चार चांद लग जाएगा इस महफिल में। आप बताएं आपकी जो फरमाइश है वो हो जाएगा। मेरा छोटू भी मेरे साथ है आज। हां हां बिल्कुल। छोटू गाना गाएगा आप बता दीजिए। अच्छे के साथ नाम बैठे हान ड्यूटी बजावे हाय पांडे जी सीटी। राज भाई के साथ काम करके इतना मजा आया मुझे मालूम था बिकॉज कोई भी कंफ्यूजन नहीं था। हमारे गाने 2 घंटे के अंदर कंप्लीट हो गए और ऐसा बहुत कम टाइम हुआ है कि गाने फर्स्ट सिटिंग के अंदर सारे पास हो गए। फेविकॉल भी, पांडे जी सीटी भी, दगाबाज भी, बुढ़ोड़ दबंग भी और सांसों ने बांधी भी। थैंक यू वेरी मच। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड माइंड ब्लोइंग है और दबंग 2 के लिए फुल टू मेहनत की है तो मेरे ख्याल से फल खाने का पूरा हक है मेरा तो आज पूरा फल खाने का पूरा मूड में आया हूँ। अरबाज भाई के अलावा अगर कोई दबंग 2 डायरेक्ट कर सकता था तो वो कोई नहीं कर सकता था। वो अरबाज भाई थे और अरबाज भाई की कन्विक्शन और अरबाज भाई के जेस्चर, अरबाज भाई के लिए हम लोगों ने फुल टू मेहनत की है। होड़ होड़ दबंग 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 होड़ होड़ दबंग 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 होड़ होड़ दबंग 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 के प्रोमोज और दबंग के सीन्स मैं काफ़ी पहले से देख चुका हूँ एक्चुअली क्योंकि जब पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था एक था टाइगर का सलमान ने मुझे कुछ पोर्शन दिखाए थे तो मुझे तो उसी टाइम से बहुत पसंद आ रहे हैं। आई थिंक बहुत इंजॉयबल है, बहुत एंटरटेनिंग फिल्म है। दबंग बहुत कमाल की फिल्म होने वाली है और व्हाट रिपोर्ट्स आई हर्ड इट्स लुकिंग वेरी वेरी गुड एंड मैंने स्क्रिप्ट सुना था इनफैक्ट जब नरेशन हुआ तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि देखूं कि कैसी है फिल्म। आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी ग्रेट फिल्म। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स सो मच। Breaking, but how much record breaking we don't know. See, for premiere only this much count means tomorrow what will happen. Any Dabang steps for him? Dabang steps? Yeah. Any premiere man stand because you break Salman also. Actually. For Dabang steps. Only Salman sir can do that. What about the chamber? Arbaaz can also direct because you first time directing the movie. Yeah. I mean, best of luck for Arbaaz sir and. I think I've seen the promo, songs, everything. Everything looks so big and positive vibe is there. So it's definitely awesome. Thank you. दबंग 2 से मुझे लगता है सबको एक्सपेक्टेशन है कि दबंग 1 का रिकॉर्ड तोड़ ही देगी और मुझे कोई इसमें डाउट ही नहीं है कि ये साल की सबसे बड़ी हिट रहेगी। एंड सीज़न बहुत अच्छा है, सलमान का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है, क्रिसमस न्यू ईयर की वेकेशंस है, सो द टाइमिंग कुड नॉट बी बेटर एंड इट्स दबंग 2 विद सलमान ऑल ओवर अगेन। थैंक यू।
much expectation Dabang 2 because Dabang 1 is huge hit. How much expectation Dabang 2 for you? I am a Dabang fan, that's why I'm here today. I really enjoyed it and I expect even better action. And I think trailer's got interesting. There's a lot more, I think it's a lot funnier than the first one. So I'm really looking forward to it. Arbaaz pehli baar direct kar raha hai, so what would you see from Arbaaz ka? Arbaaz, I think this is a film family, you know, father is a writer and they've lived so much here. I think I'm sure unko itna film sense ho jata hai by the time, you know, I think you are like where he is now. So it's a great attempt, he's working with his brother, so I'm sure it'll be something good. Thank you so much. Just one bite, just one question. Obviously, Dabang is a very much awaited movie. I can't wait to see it, I'm so late. What do you look forward to Salman Khan? I think Dabang 1 already proved what an amazing franchise it is and I think sari duniya, puri desh intezar kar rahi hai ki Dabang 2 mein kya hoga. I think it's going to take an outstanding start and I'm sure maine suna hai doston ne film dekh li already aur sab keh rahe hain ki it's going to be a massive blockbuster. There is a khaasiyat Salman ki jo unko box office mein what makes him work. I think Salman Khan aise sitare hain desh bhar unse bahut pyar karte hain, unki ek star presence hai, quality hai. एंड एक आई थिंक वाइब है, बच्चे हो या बूढ़े हो सब बहुत पसंद करते हैं और प्रेम करते हैं सलमान खान से. ही ट्रूली इज द बिगेस्ट रॉक स्टार दिस कंट्री. मैंने पहली दबंग ट्रायल में देखी थी, फिर जाकर मैंने थिएटर में दो बार देखी थी नॉन स्टॉप 12 से 3, 3 से 6. तो इस पिक्चर से उससे भी ज़्यादा उम्मीद है और सलमान भाई इज इन फुल फॉर्म एज ऑलवेज एंड चुलबुल पांडे इज बैक इन टाउन, सो इट विल बी अ ब्लास्ट टू वॉच. जितना मैंने उनके साथ इंटरेक्ट किया इतने सालों में, वो बहुत सुलझे हुए इंसान है इन टर्म्स ऑफ हिज लव फॉर सिनेमा, हिज लव फॉर एज अ प्रोड्यूसर. दबंग के बारे में जब बात करते थे तो लगता था कि वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करते अपने मटीरियल से. तो आई एम वेरी होपफुल दैट पीपल विल लव हिज वर्क एंड ही विल कम आउट शाइनिंग. थैंक यू सो मच. अरे पीछे से क्लियर करो. थैंक यू सर. थैंक यू मैम.
रवीना जी यहाँ पर, रवीना जी रवीना जी यहाँ जिस कॉर्नर में यहाँ पे रवीना मैम यहाँ पे us love it. Yeah, that's his quality. Thank you so much.